हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 5:15 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ घूमने, सरे की तरफ दे सकते हैं। और अभी सूर्योदय दोस्तों अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। और आज है ना, भाभी भी आई हुई है मुझे दिखाए वाले। तो आज हम लोग आए हुए हैं साथ में ही घूमने, तो चलिए अभी चलते हैं घर पे। भाभी लोग सब चले गए, हमको वीडियो अपलोड करना था तो रुक गए हुए थे। तो अभी देख सकते हैं, अभी सूर्योदय भी हो चुका है। तो जय सूर्यदेव, और चलते हैं अभी घर पे, मिलते हैं, कपड़ा सरियाएंगे और गिनती भी करेंगे। दोस्तों अभी आ गया घर और अभी आगे तक देख सकते हैं, ठंड लग रहा है अभी सुबह सुबह। थोड़ा सा ऐसा ठंड नहीं लगता है जब हाथ धोते हैं, पानी पड़ता है तो हाथ कनकनाने लगता है। तो चलते हैं अभी, माल सरियाते हैं, थोड़ा सा हाथ रख लिया। और ये सब जो है ना, सबको सरियाते हैं और गिनती भी करेंगे टोटल कितना का है अभी बचा हुआ। क्योंकि पिछला महीना का जो है ना, अप्रैल महीना का हिसाब करना है कि कितना इनकम हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना माल बचा हुआ है, देखना जरूरी है। तो चलिए फिलहाल सब कुछ सरिया विया करके और फिर मिलते हैं गिनती दी करके। हाली दोस्तों सारे को सरिया लिया दे सकते हैं और इतना बच गया है स्टॉक में, दे सकते हैं इतना ही बचा हुआ है। तो सारे सरिया लिए और इधर दे सकते हैं, सभी हिसाब पत्र भी रखे हुए हैं। इसको हिसाब करना है, गिनती करके रखे हुए हैं और हिसाब करना है। तो हिसाब कर लेते हैं टोटल को कितना कमाल बचा हुआ है। दोस्तों अभी टाइम 7:30 हो रहा है और अभी मैं पानी भर रहा हूँ, देख सकते हैं बाल्टी भर गया। इसमें भरते हैं, पानी भर लेते हैं, उसके बाद में स्नान करेंगे। दोस्तों इस समय का भी कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, धूप काफ़ी है अभी। अभी हवा नहीं चल रहा है लेकिन 12 बजे के बाद हवा चालू हो जाता है बहुत तेज। और दोस्तों आइए आप लोगों को ये हिसाब किए हैं देख सकते हैं। तो दिखाते हैं कि ये जो है ना अप्रैल महीना में कितना का सेल हुआ है, कितना इनकम हुआ है और कितना दिन काम किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैश लेकर आते हैं, कॉपी पर ही है तो देख सकते हैं इस तरह का टोटल हिसाब हुआ है टोटल। तो दोस्तों हमारे पास टोटल माल जो है ना 14,021 रुपये का बचा हुआ है। और सेल की बात करें तो टोटल माल जो है ना अप्रैल महीना में 18,833 रुपये का माल सेल किया और 7 दिन ड्यूटी कर पाए अप्रैल महीना में। क्योंकि गेहूँ की कटनी भी था, गेहूँ की कटाई दौनी और बहुत सारा काज भी हो गया था कुछ कारणवश। और तो 7 दिन ड्यूटी किया, 18,833 रुपये का माल सेल किया है। और इनकम की बात करें तो 6,691 यानी कि 6,600 का इनकम हुआ 7 दिन में। और अभी हमारे पास टोटल माल की बात करें, माल और कैश दोनों मिला करके 14,031 रुपया तो माल है और कैश हमारे पास अभी है 2,920 रुपया यानी कि 16,951 रुपया का टोटल माल और कैश दोनों मिला कर अभी इस समय है। और फिर न्यू अपडेट अगले महीने के मई जून का 1 तारीख को फिर लेकर आएंगे। पूरे मई में कितना का इनकम होता है, कितना काम करते हैं, कितना का माल सेल करते हैं सब लेकर आएंगे जून में 1 तारीख को। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं स्नान करते हैं और पानी भर गया देख सकते हैं, पानी भर के नीचा पाइप गिर गया, चलते हैं स्नान करते हैं, स्नान करके फिर मिलते हैं। नहीं दोस्तों अभी स्नान कर लिया और आज जो है ना, आज लग रहा है कि मैं स्नान किया हूँ। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो है ना 4-5 दिन मार्केट का जो साबुन होता है लाइफ का डिटॉल, ये सबसे स्नान कर रहा था लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि स्नान किया है कि नहीं किया है, मतलब भारी ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन ये देख सकते हैं यही कल मंगाए हुए थे साबुन, IMC आयुर्वेदिक सोप है। तो ये जो है ना इससे नहाए हैं तो बहुत ही हौला महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फूलों जैसा इतना हौला महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए यूज करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो या कोई कपड़ा हो, यूज करने के बाद ही पता चलता है कि उसका क्वालिटी कैसा है और किस तरह का है। तो ये मैं बहुत दिन से लगभग 2.5-3 साल से यूज करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक तो बहुत ही कम खियाता है, यानी कि मार्केट का 3-4 साबुन यूज करेंगे तब तक एक ही चलेगा। और दूसरा बात कि इसमें जो है ना पूरी तरह ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक सोप है,
और इसमें जो है तीसरी बात है कि इसमें फुंसी उंसी हवा वोटर कुछ भी नहीं हो। चलिए अभी चलते हैं घर पे, आज पूजा वूजा करेंगे और उसके बाद में पूजा से रेडी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में जो है ना आज भोज है तो भोज खाने जाएंगे, भोज खा के आएंगे फिर जाएंगे फिर, क्योंकि शादी उदी है हरपुर में, दूसरे गाँव में। हरपुर पिपरा दोनों एक ही गाँव सर सट है, लेकिन हरपुर में है शादी का भोज है, तो चलेंगे भोज खाने। पहले चलते हैं अच्छे से तैयार वार हो जाते हैं। दोस्तों अभी मैं भोज खा करके अभी चल रहा हूँ घर पे, और अभी चलते हैं दोस्तों 9:15 हो गया है टाइम, तो चलते हैं घर पे और चलेंगे फेरी करने। फिलहाल चल के माल लोड करते हैं। कर लिया दोस्तों हैं, और कितना धूप हो गया है। टाइम दोस्तों अभी 10 बज चुका है, तो चलिए अभी 10 बजे से निकल रहे हैं, आज लेट हो गया। फाइनली दोस्तों अभी हमारा फर्स्ट बोनी हो गया है, दो गमछा बिक्री हुआ है, बोनी दोस्तों हो गया है, बोनी अच्छा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा मतलब खींच पिच नहीं हुआ है, और अभी 10:15 हो रहा है दोस्तों, वाला गाँव में बोनी हो गया है। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल घूमते हैं। तो अभी टाइम 12:30 हो रहा है, और अभी तक सेल की बात करें तो दोस्तों लगभग 950 तक सेल हो चुका है टोटल सेल, और देखते हैं इस समय के बाद से कितना का सेल होता है। और धूप दोस्तों काफ़ी है, और हवा जो है ना कल से थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, रुकते हैं तो ज़्यादा मतलब कि गर्म बढ़ता है, नहीं तो चलते रहते हैं ना तो ठंडा हवा चलता है तो हवा लगते रहता है चलाने पर, लेकिन जब रुकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पर 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद में चलेंगे घूमेंगे, काफ़ी धूप है दोस्तों। अभी टाइम 3:30 हो रहा है, और अभी तक जो है ना लगभग 1500 के आसपास तक सेल हुआ है। सेल जो है ना टोक टक हो रहा है, कहीं 50 रुपया, कहीं 20 रुपया, कभी 100 रुपया, ऐसे सेल हो रहा है। तो खूब मतलब ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेल हो रहा है आज। तो अभी चलते हैं दोस्तों और घूमते हैं, अभी 3:30 हो रहा है, तो देखते हैं इस समय के बाद से कितना का सेल होता है। दोस्तों अभी टाइम 6:30 हो गया है अभी, और अभी बेड डूब चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और अभी दोस्तों चलते सीधे घर की तरफ, सेल की बात करें तो दोस्तों अंदाज से अभी पूरा गिनती नहीं किए हैं, सेल लगभग 2500 प्लस का सेल होगा। और शाम के अभी मिलते हैं घर पे, और टोटल गिनती करेंगे टोटल सेल कितना का हुआ है। आज दोस्तों सेल हुआ है अच्छा, 2500 प्लस का सेल हुआ है, तो सेल तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन वही है कि धीरे धीरे हुआ है, बहुत कम कम हुआ है, 150 ऐसे सेल हो रहा था। चलिए फिर भी सही हुआ है, फिलहाल घर पर पहुँच के फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों भी आ गया घर, आते आते अंधेरा हो गया पूरी तरह से, देख सकते हैं इधर, और गाड़ी भी सब लगा दिया ऊपर माल उतार करके। और दोस्तों एक बड़ी भारी गलती की वजह से ना नुकसान हो गया है, ये वाला प्लाजो देख रहे हैं ये खुला ही रह गया था, अभी घर पे आया हूँ तो देखा कि खुला है, देखा तो ये वो पीस गिर गया है इसमें का, ये 100 रुपये बिकता है प्लाजो, तो और 65 रुपया खरीदारी है, तो हमारा 65 रुपया नुकसान हो गया आज मेरे गलती की वजह से। तो चलते अभी खाना खाते हैं दोस्तों, और आज का सेल ही है देख सकते हैं टोटल सेल। चलिए खाना भी आ गया है तो खाते हैं, इधर देखते हैं खाना है रोटी भुजिया, तो खाना खाते हैं, और आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और दोस्तों आज का इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में, लेट नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।